प्रदेश कांग्रेस महासचिव सिंह पठानिया ने विधानसभा शाहपुर की करेरी पंचायत के बल गांव का दौरा किया। वहां पर पठानिया ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते लोगों को मास्क बांटे और बेरोजगार युवाओं का दुख दर्द समझा। पठानिया ने पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा स्वीकृत किए कार्यों का जायजा लिया। पठानिया ने बेरोजगार युवाओं और होटल कर्मचारियों और मालिकों के दुख को प्रदेश सरकार से उठाया और कहा कि प्रदेश सरकार इनकी सुध ले और हर महीने बेरोजगार युवाओं और होटल कर्मचारियों को 10,000 सीधे खाते में डाले और होटल मालिकों को आर्थिक पैकेज देकर राहत पहुंचाए। पठानिया ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि नड्डी होटल एसोसिएशन ने पर्यटकों को सिर्फ एक ही पर्यटक स्थल में आने के लिए 15 दिन के पैकेज वाली मांग को पूरा किया जाए, जिससे उनके परिवार की रोजी रोटी सही ढंग से चले। पठानिया ने कहा, बल सड़क का काम धीमी गति से चला है, उस कार्य को तेजी से किया जाए, जिससे बलगाम की जनता को सड़क सुविधा जल्दी मिले। प्रदेश सरकार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कांग्रेस सरकार के स्वीकृत विकास कार्यों के कामों को पूरा करे। पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ के बजट का डिडोरा पीट रही है, वहीं बजट कहीं धरातल पर नहीं दिख रहा है, जिससे लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर बीडीसी सदस्य देशराज, विनय ठाकुर अध्यक्ष, सोशल मीडिया ब्लॉक कांग्रेस, रिंकू बल युवा क्लब प्रधान इंद्रजीत, समाज सेवी राहुल, विवेक राणा, संजय शर्मा आदि कई लोग मौजूद थे। महामारी के इस अवसर पर जहां आज हम बल गांव में खड़े हैं, माता गुणा को सब सत नमन करते हैं कि माता गुणा का आशीर्वाद पूरे प्रदेश और इस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र पर बना रहे। आज जहां मास्क हमारे टिंकू जी और उनकी सबकी टीम ने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, वहां हमारी नड्डी से जो बल तक की रोड है, पूर्व सरकार में ये काम शुरू किया गया था, लेकिन अब काम बिल्कुल धीरे से आज यहां गांव में आने का मौका भी मिला। बिजली विभाग का यहाँ ट्रांसफार्म भी लगना जो पीछे पहले से स्वीकृत था, और रोड की जो हालत आज मैं मौके पर देखी है, मैं एक्शन पीडब्ल्यूडी से सोमवार को प्रार्थना भी करूंगा कि जो भी जिन लोगों को काम दिया हुआ है जल्दी से जल्दी, वो टेंडर तो हुआ है लेकिन लॉकडाउन के कारण हो सकता है काम रुका है, लेकिन अब हम भ्रमर प्रार्थना करेंगे कि जो वर्तमान एक्शन साहब है वो यहाँ विजिट करें और इस काम को, यही नहीं इसका एक और फेज है जिसका टेंडर बल तक का हो चुका है। हमारा यही माननीय एक्शन महोदय से प्रार्थना रहेगी कि इसको विजिट करके तुरंत से तुरंत जो है इस काम को पूरा किया जाए, क्योंकि ये बड़ा हमारा ऐतिहासिक गांव है और हमारे विधानसभा क्षेत्र का पहला गांव ग्राम पंचायत करेरी का, और पर्यटन की दृष्टि से इस इलाके को जो है वो संवारना जो हमारी उस वक्त की प्राथमिकता रही है। नड्डी गांव में आज मैं खड़ा हूँ, पिछले लगभग 2.5 महीनों से लॉकडाउन चला है। वर्तमान सरकार से प्रार्थना कि जो लोग हमारा पर्यटन से जुड़ा हुआ इलाका है, और जैसे कि पूर्व में भी हमने मांग रखी है हमारे पार्टी के अध्यक्ष और CLP नेता में वर्तमान मुख्यमंत्री से, कि जो लोग इन होटलों में काम करते थे, छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, वर्तमान प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। मुख्यमंत्री महोदय भी कह रहे हैं कि दिल्ली से बहुत पैसा आया है। मेरी यही प्रार्थना है कि जो बेरोजगार ये होटल इंडस्ट्री है, पहले नंबर वन पे तो जो पैसा दिल्ली से आया, इतना पैसा प्रधानमंत्री ने दिया है, तो वो पैसा होटल के मालिकों को भी जो है वो पैकेज दिया जाए, कर्ज ना दिया जाए। युवा क्लब प्रधान रिंकू ने कहा कि बलगाम में अगर किसी ने सुध ली है तो वह पूर्व की कांग्रेस सरकार ने, पूर्व वन विभाग उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने ली है। बलगाम में आज अगर सड़क का सपना पूरा हो रहा है तो केवल सिंह पठानिया की देन है। मौजूद प्रदेश सरकार इस वक्त कहीं भी नजर नहीं आ रही है और हवा में ही बातें हो रही हैं। आज युवा वर्ग बेरोजगार हो गया है, लेकिन प्रदेश सरकार युवा बेरोजगार के लिए कुछ नहीं कर रही है। यही कहना है कि जो मतलब पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम यहाँ पे सड़क भी पहुँची, अभी जो जितने भी जो सरकार बैठी हुई है, सिटिंग गवर्नमेंट जो बैठी है, उनकी तरफ से हमारी गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वादे किए जाते हैं और गांव की तरफ कोई मतलब कोई खास कदम नहीं उठाए जाते गाँव के डेवलपमेंट के लिए। जो सड़क यहाँ तक पहुँची है वो भी हमारी पठानिया जी की देन है, जो बल गांव में अभी तक सड़क पहुंची है। बाकी जो सिटिंग विधायक है या मंत्री है, उन्होंने आज तक बल गांव की तरफ मतलब देखा भी नहीं है, काम के लिए कोई